हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप बन सकते हैं एक बेटर मोबाइल फोटोग्राफर। और ये सारे वो तरीके हैं, वो टिप्स हैं जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं अपने फोटोशूट करते समय, वो भी मोबाइल के साथ। तो सारे ट्राई करे हुए नुस्खे हैं और जब आप इसको फॉलो करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी फोटोग्राफी पहले से अब इम्प्रूव हो गई है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप अगर पसंद आए वीडियो लाइक करना ना भूलना और कमेंट करना ना भूलना। सीधे चलते हैं टिप नंबर वन पे। तो गाइस, टिप नंबर वन, आप सबसे पहले अपने मोबाइल के एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर लें। जब भी हम एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 9:16 फॉर्मेट में होता है। मतलब कि जैसे कि इंस्टाग्राम की जो स्टोरी का साइज़ है उस साइज़ में आपका ये एस्पेक्ट रेशियो होता है और हमको उसको चेंज करना है। चेंज क्यों करना है? बिकॉज जब आप इसको 9:16 के रेशियो में शूट कर रहे हैं तो जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है उसकी जो भी कैपेबिलिटी है, सपोजिंग वो 20 मेगापिक्सल का है, 40 का है या 50 का है, वो पूरे के पूरे पिक्सल यूज नहीं करता। वो आपको फुल कहता ना, फुल पावर जो है उन शॉट्स में आपको नहीं मिलती। तो आप जब अपने फोन की सेटिंग्स में जाएंगे, यहां पे एस्पेक्ट रेशियो को आपने चेंज करना है 3:4 में। जब आप इसको इस सेटिंग्स में चेंज कर लेंगे तब आपके जो एक्चुअल पिक्सल्स हैं वो आप शूट कर पाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम जो एक पहला शॉट अभी ले रहे हैं स्क्रीन पे 9:16 रेशियो पे, इस पे आपको इमेज साइज और कई फोन्स में आपको इसका टोटल जो पिक्सल है वो भी नजर आता है कि कितने पिक्सल पे शूट किया हुआ है। एज कंपेयर टू 3:4 अगर हम उस पे शूट करें तो यहां पे हमारी फाइल साइज भी बढ़िया है, फाइल साइज बड़ी हो रही है बिकॉज पूरे के पूरे जो एक्चुअल पिक्सल्स हैं वो कैमरा के यूज हो रहे हैं। टिप नंबर टू गाइस, एक्सपोजर एंड फोकस लॉक। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और आपने इस फीचर को यूज करते हुए करना क्या है, आप जिस भी सब्जेक्ट को क्लिक करने वाले हैं वहां पे आपने फिंगर पे स्क्रीन पे टच करना है और उसको जब आप प्रेस करके रखेंगे आपका एक्सपोजर और फोकस दोनों लॉक हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि जब आप शूट कर रहे हैं, अब यहां एक्सपोजर का मतलब है ब्राइटनेस, आप कितनी ब्राइटनेस रखना चाहते हैं, कितना कम रखना चाहते हैं, ये आप अपने हिसाब से स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट वीडियो शूट करते हुए बहुत ज्यादा हैंडी होने वाला है ये टिप आपके लिए, बिकॉज आप देखेंगे जब भी हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं राइट लेफ्ट, जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं तो आपका एक्सपोजर जो है वो चेंज होता रहता है, जो कि वीडियोज में अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप जो भी शूट कर रहे हैं टैप करके लॉक करके रखेंगे, कुछ भी शूट करेंगे मूव करेंगे तो वो एक्सपोजर चेंज नहीं होगा। टिप नंबर तीन दोस्तों, लो एंगल शॉट्स। जब आप बाहर हैं, स्पेसिफिकली किसी लोकेशन के बाहर हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बाहर हैं और आपको लगता है यार मेरे आइडियाज खत्म हो रहे हैं, मैं कैसे शूट करूं, तो आपने मेरे वीडियोस में बहुत बार देखा होगा कि मैं फोन को उल्टा करके लो एंगल शॉट्स ले रहा होता हूं। तो यहां पे क्या रहता है ना, आपको थोड़े से शॉट्स जो है वेरिएशन मिलते हैं, आपको एंगल वाइज बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव शॉट्स भी लगते हैं अगर आप एज कम्पेयर टू नॉर्मल फोटो देखेंगे। और यहां स्क्रीन पे कुछ आप फोटोज देख सकते हैं जो मैंने लो एंगल खींचे हुए, तो लो एंगल खींचना जो है वो बिल्कुल मत भूलना। टिप नंबर फोर दोस्तों, ग्रिड लाइन। सो वेल, आप जब अपने फोन से कैमरा ऑन करते हैं और आपको अपनी स्क्रीन दिख रही है ब्लैंक, इसका मतलब है कि आपने अपने फोन की ग्रिड लाइन ऑन नहीं करी हुई है। बहुत सिंपल है, आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे जो ग्रिड है इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे दो फायदे होने वाले हैं। पहला नंबर वन जो है कि जब आप बाहर शूट कर रहे हैं और आपको कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही कहते हैं ना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर या कुछ भी आप शूट कर रहे हैं, सो जल्दबाजी में क्या होता है ना, हम शूट कर लेते हैं फिर घर आते देखते अरे यार ये तो सही नहीं हुआ, ये थोड़ा हिल गया, ये सीधा नहीं लग रहा, टेढ़ा लग रहा। तो लाइंस ऑन होने से एटलीस्ट आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा कि भाई आपकी फ्रेमिंग कैसी चल रही है, सीधे हो, सही शॉट लिया हुआ है, टेढ़ा है, कट रहा है, जो भी है, तो वो आपको सीधा नजर आ जाएगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रूल ऑफ थर्ड्स, जो आई एम श्योर आपने फोटोग्राफी में बहुत बार सुनी होगी। तो जब आप ये ग्रिड लाइन ऑन कर देते हैं आप देखेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो लाइन्स हैं आपके मोबाइल फोन पे नजर आती है एंड स्ट्रेट अवे, एकदम स्ट्रेट सेंटर में अपने सब्जेक्ट को अगर आप रख के शूट करते हैं वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत बोरिंग भी लगता है। अगर आप कोशिश करेंगे अपने शॉट करते टाइम पे जहां पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मिल रही है अपने सब्जेक्ट को अगर आप वहां प्लेस करेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और कॉम्पोजिशन वाइज भी आपको बेटर शूट करने को मिलेगा। नंबर पांच दोस्तों, ट्राई एंड शूट ऑन टाइमर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब शूट करते हैं, हम लोग जो स्क्रीन पे बटन होता है शटर वाला, हम उसको क्लिक करते हैं या वॉल्यूम वाले बटन को प्रेस करके शॉट लेते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब भी हम शूट कर रहे हैं तो वो फोन आपका थोड़ा सा हिल जाता है, स्टडी नहीं होता है, तो फोटो हमारी शार्प और फोकस
में नहीं रहती है। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप हमेशा अपने टाइमर को ऑन करके रखें और जब भी सेल्फी ले रहे हैं या कोई भी शॉट ले रहे हैं आप उसको उस पर शूट करेंगे तो आपकी पिक्चर्स जो हैं वो बेटर और शार्प होंगी। टिप नंबर 6, नाइट मोड। आज की डेट में सारे मोबाइल फोन्स में ये नाइट मोड आपको अवेलेबल होता है और इसका मतलब क्या है कि रात के टाइम पे जब आप फोटोज खींचेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू द नॉर्मल कैमरा। सो इस पे होता क्या है, नाइट मोड पे आपका जो फोन है वो कंटिन्यूसली मल्टीपल शॉट्स लेता है और उसके बाद उन शॉट्स को कंबाइन करके आपको एक बढ़िया बेटर पिक्चर देता है। मल्टीपल शॉट्स लेते हुए अगर आपका हाथ कह रहा ना, जैसे पहले हमने बात की थी, हिल रहा है या थोड़ा सा भी जर्क है तो वो पिक्चर्स आपकी क्लियर नहीं आएंगी, बिकॉज जब ये मल्टीपल शॉट्स ले रहा है इसको एक फिक्स जगह में होना बहुत जरूरी है। तो या तो आप एक ट्राइपॉड यूज करें जब आप नाइट शॉट्स ले रहे हैं, या आप बाहर किसी चीज पे मोबाइल को रख के शॉट लेंगे तो आपके नाइट शॉट्स बेटर आएंगे। ये जो शॉट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पे आप देख सकते हैं कि नाइट मोड पे जब ये शॉट ले रहा है कैमरा तो कैसे इसका शटर जो है घूम रहा है और ये टाइम ले रहा है शॉट करते हुए, और ये जो शॉट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लिए हुए शॉट्स उससे आपको ये बेटर नजर आ रहा है बिकॉज ये मल्टीपल शॉट्स को कंबाइन कर रहा है। टिप नंबर 7 दोस्तों, बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता क्या है और वो फोन में होने के बावजूद भी इसको यूज नहीं करते। सो जब आप कोई मूविंग शॉट्स लेना चाहते हैं, एक्शन शॉट्स लेना चाहते हैं, जंपिंग शॉट्स लेना चाहते हैं, वो एक टाइम पे एक क्लिक में परफेक्ट शॉट आना बहुत मुश्किल है। सो बहुत सारे फोन्स में सेटिंग है जहां पे आप सेटिंग में जाके बर्स्ट मोड ऑन कर सकते हैं, और आज के डेट में जैसे मैं अपना ओप्पो यूज कर रहा हूं इसके अंदर वो बर्स्ट मोड ऑलरेडी है। तो आपने करना क्या है, शूट करते हुए आपने अपने शटर बटन को दबा के रखना है तो इसमें ये मल्टीपल शॉट्स लेगा और बाद में आपको चॉइस है कि आप जो ये मल्टीपल शॉट्स है इसमें से कौन सा शॉट लेके रखना चाहते हैं। टिप नंबर 8 दोस्तों, प्रो मोड या कि मैनुअल मोड। सो बहुत सारे मोबाइल फोन में अलग अलग नाम से आता है, मेरे फोन पे ये प्रो मोड पे है, आपके यहाँ पे अगर मैनुअल मोड पे इट्स जस्ट द सेम थिंग। और ये है क्या, बेसिकली वो DSLR जो कैमरास का जो फील है, मैनुअल सेटिंग्स का जो फील है, वो अब मोबाइल फोन में भी आप शूट कर सकते हैं। इसके अंदर आपका ISO, आपका शटर, आपका अपर्चर, आपका फोकस, कलर बैलेंस, ये सारी चीजें जो है आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। एंड मेरा रिकमेंडेशन हर एक बंदे को ये रहे कि प्रो मोड को जरूर यूज करें बिकॉज इससे आपको फोटोग्राफी की जो नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ेगी और आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीजें करने से एक फोटो में चेंजेस आते हैं। एक अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि मैं प्रो मोड पे लेके आऊं, नीचे कमेंट में बताना, आई वुड लव टू मेक दैट फॉर यू। वेट करूंगा आपके कमेंट्स के, जरूर मेंशन करना और प्रो मोड जो है वो जरूर ट्राई करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 9, स्लो शटर स्पीड। यस, बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली से लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें वो लाइट ट्रेल्स खींचनी है, हमको क्रिएटिव यू नो जिसपे लाइट पेंटिंग होती है वो शूट करनी है, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो अगेन गाइज, ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं अपने मोबाइल के प्रो मोड में जाके एंड अपने शटर को स्लो रख के। सो जो आपका मोबाइल फोन है उसको अगेन हमने ट्राइपॉड पे रखना है और शटर स्पीड को हम जितनी स्लो कर सकते हैं, अगर आप स्लो करने के बाद कुछ लाइट्स के साथ शॉट लेंगे तो आपको ये ब्यूटीफुल लाइट ट्रेल जो है शॉट्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने लास्ट एक शॉट सायरा के साथ किया था जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सब आप अपने मोबाइल फोन से अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया और आई एम श्योर अब आप अपने मोबाइल फोन से होने वाले हैं एक प्रो फोटोग्राफर। कैसे लगे सारे टिप्स नीचे लाइक कमेंट करके बताना और कौन से टॉपिक पे मोबाइल फोटोग्राफी के आपके लिए अगला मैं वीडियो लेके आऊं वो भी जरूर मेंशन करना। इंस्टाग्राम फैमिली इज राइट हियर, अगर ज्वाइन नहीं किया मुझे यहां ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सवाल है वहां मुझे आप DM भी कर सकते हैं। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वन। बाय बाय।